अच्छा इंसान हसद बकवास चीज शाइन देवी काबिल नफरत ये अक्सर परीक्षा वगैरह सुनते हैं जितने आप सुनेंगे या आप देखेंगे नहीं इससे बड़ी बात नहीं क्योंकि खलीफा मिसोजिनिस्ट है अच्छा तो मिसोजिनी तो नहीं बर्दाश्त होती ना फिर ठीक है बिल्कुल सही वैसे मुझे उनसे कोई जाति इख्तलाफ नहीं है लेकिन मिसोजिनिस्ट है हाँ जी ठीक है शुद्ध पसंद है पेट्रियार्की मिसोजिनी यस शायद ना होती तो क्या होती मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो वही होती मतलब शायर मतलब मैं प्रोफेशनली तो अभी भी शायरा नहीं हूँ उस तरह से वो क्या होता है प्रोफेशनली शायर प्रोफेशनली शायर वो होता है कि जिसका रोजगार शायरी से वाबस्ता होता है अच्छा। मुकम्मल तौर पर वो शायरी पे इंतजार कर रहा है ठीक है और उसकी जरूरत है कि वो लिख रहा है ठीक है कुछ लोगों के नाम लूंगी आप लोगों को मशवरा देना है कोई भी हाँ मशवरा दे ठीक है अच्छा सा यूसरा वसाल भाई जो वो मॉडलिंग करें एक्टिंग करें जो उनका काम है वो करें वो शायरी का जरा पीछा इदरीस बाबा इदरीस भाई ठीक हैं बस वक्त के बहाव के साथ चलते रहे फखर अब्बास डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं बस डॉक्टर साहब कभी एक बार फीके शेर कह जाते हैं वहाँ से अच्छा थोड़ा सा अगर मतलब वेट कम कर लें तो ठीक हो जाएगा वहाँ वजन के मुताबिक नहीं मैं बॉडी शेम नहीं करेगी नहीं नहीं हाँ लेकिन जाहिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है इसमें बिल्कुल हम वो नहीं कर रहे इकराम आरफी सॉरी इकराम आरफी साहब आरफी साहब तो जिगर हैं नहीं जिगर तो हैं लेकिन मशहूर हैं हम लेना चाहें आरफी साहब बस मिला करें हमसे अच्छा लगता है अच्छा जी सुहेल को क्या मशवरा देंगे जो अभी तक नहीं दिया हाँ जो अभी तक ना दिया ये जो अभी तक ना नहीं ऐसा कोई मशवरा नहीं है जो सुहेल को ना दिया भाई अच्छा अमल करते हैं जी वाह बड़ी हद तक जो स्वेप की कैपेसिटी में होता है 100% अब आपने कहा बात गाती बहुत अच्छा है तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें नहीं नहीं मैं गाती अच्छा नहीं हूँ अच्छा। मैंने ये बात इसलिए की थी कि मैं बेसुरी हूँ अच्छा। तो मुझे नहीं गाना चाहिए अच्छा। बेसुरा तो नहीं गाना चाहिए सस्ते सवाल आज करते हैं आपसे जी हुक्म कीजिए सबसे बुरा किसी ने आपको क्या प्रपोज किया जो आपको गुस्सा आया हो हां कोई मैसेज कमेंट कोई मैसेज ऐसा कोई इजहार ऐसा कोई लेट गया सड़क पे मुझे मतलब दांतों के बारे में एक दो सवाल लोगों ने कहा है कि अपने जो दांत है ना वो थोड़ा सा ब्रेसेस लगवा लो तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी मेरे दांत नहीं बन रहे आप नहीं आपको आपसे किसी ने इजहार मोहब्बत किया हो किसी खास अंदाज में किसी फैन ने किसी ने कोई वो कुछ याद हो अच्छा यूं सॉरी हां हां नहीं सॉरी इस तरह का कुछ नहीं हुआ कभी कोई ऑकवर्ड मैसेज कोई कमेंट जो आपको याद है ये क्या है जो आपके ज़हन पे ताई रहा अच्छा भी हो सकता है बड़ा भी अच्छा मुझे तो नहीं एक मेरी साथ एक शायर दोस्त हैं अच्छा। उनका मुझे याद आ रहा है उनको किसी ने कहा है कि वो हम लास्ट टाइम अजराइल से उनको शायर पे गए तो हमने वाइट ड्रेस पहना दोनों तो उन्होंने कहा आप पे वाइट बहुत सूट करता है कफन भी यकीनन आपको अच्छा लगेगा तो ये मेरा ख्याल है कि बस बात की जो आपने खुद कभी किसी के इनबॉक्स में जाके कोई हरकत की हो ऐसे जो हाँ जी अच्छा। मैं एक खातून के साथ मेरा इख्तलाफ था तो उनको मैंने इंस्टा पे पहले स्टॉक किया अच्छा। कि इंस्टा पहले मैं उनको फेसबुक पर ब्लॉक कर चुकी थी ठीक है फिर मैंने उनको इंस्टा पे स्पेशली ढूंढा अच्छा। फिर वहाँ पे मैंने उनको एक मैसेज किया चप्पल औरत अच्छा। और वहाँ से ब्लॉक कर दिया गजब बेइज्जती है वो उनको लोग जानते हैं कि नहीं जानते नहीं नहीं यानी बदला लेने की आपके अंदर चीज है कि मैं बदला लेके छोड़ नहीं शिद्दत पसंद थोड़ी सी हां बाज हवाले से लेकिन वो जमाना जाहिलियत जब मुझे पता चला कि वायलेंस नहीं तो फिर मैंने डिसेंट हो गई एक तो पाकिस्तान से आपको नफरत क्यों है एक तो ये अच्छा मुझे पाकिस्तान से बिल्कुल नफरत अच्छा यानी बाहर रह के आप दुआ पाकिस्तान के लिए करेंगे जी ये बात है एक बात ये बात ठीक है पाकिस्तान से मुझे नफरत बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के मुझे थोड़ा सा सिस्टम से इख्तलाफ है सिस्टम भी क्या तो आप उसको ठीक नहीं कर सकती आप उसको नहीं मेरी तो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है तो पता नहीं कब से चला आ रहा है और ख्वातीन के साथ जो हमारा मामला है जो सलूक है यानी मैं
इससे बढ़कर और क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है खातून के लिए कि मैं रात को अकेली आ जा नहीं सकती. लाइक मैंने अगर वेस्टर्न पहना हो तो ऊबर वाला मुझे हरास करता है. तो ये चीजें बहुत हमारे हमारे माशरे के अंदर एक बुरी चीजें हैं. सारी दुनिया अब थोड़ा सा जो अच्छे ममालिक हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड है वो जरा बेहतरी की तरफ आ गया है. वहाँ पर जरा सिस्टम ठीक हो गया. सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया आपने लेकिन दोबारा आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रही हैं तो वो क्या ये तजार नहीं है? अगर मुझे आसानी से मिल जाती है तो अच्छा तो मेरी ऑब्सेशन नहीं तो फिर मैं जाऊंगी. मैं आसानी से मेरी मर्जी की हो मेरे मेरे मतलब मिजाज क्या की जगह आप घर बैठे रहे हैं तो ये है. लेकिन मैं ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी हूँ सरकारी नौकरी से. मेरी तौबा है. अच्छा तो लेकिन कभी अगर जिंदगी में आजकल सबसे मजेदार काम क्या कर जो आजकल आपकी जिंदगी में चल रहा है अच्छा है. मैं सुहेब को जलील कर रही हूं. अच्छा ये सबसे सबसे मजेदार काम इससे बढ़कर और क्या होगा? बिल्कुल ठीक. और ये उनको पता है कि वो जलील कर रही है. बिल्कुल सुहेब को आज सारा दिन मैंने तंग किया है तो मैं आपके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं. मेरा बतौर वाइफ मेरा हक है. बिल्कुल ठीक. इसको कहते हैं मिस सैंड्री. अच्छा कुछ ऐसा आप सुनाए जो आपने पहले ना सुनाया हो तो बेहतर है या कम सुनाया हो तो चले. अच्छा तो ऐसा होता है कि कुछ नया कहती हैं वो काफी देर तक नहीं सुनाती तो वो अगर आप सुना दें. मुझे सुहेब ने एक चीज सिखाई है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको फौरी तौर पर सबको नहीं सुना दिया करते. उसको थोड़ा वक्त देते हैं. ठीक है फिर आप 3-4 दिन बाद दोबारा निकाल कर देखेंगे शायद आपको खराब लगेंगे. हाँ ठीक है तो वो फिर 3-4 दिन बाद मैंने देखे तो मैंने कहा चलो इनको रहने देते हैं खराब नहीं खराब. तो वो 3 अशआर हैं कि भले घटा के या फिर धूप के असर में रहे. भले घटा के या फिर धूप के असर में रहे. मेरी दुआ है कि हर शख्स अपने घर में रहे. उसे कहो कि वो खिड़की से झांक ले एक बार. वो दिल में रह नहीं सकता तो फिर नजर में रहे. ये मौका है. क्या बात बहुत बेहतरीन है. आपका और अब आखिरी इनसे सवाल करेंगे कि उनको यहाँ आके कितना बुरा लगा ये भी बताओ. कैसा महसूस हुआ हमारे शो पे? क्या बुरा नहीं बुरा लगा आपको? कितना बुरा लगा इंटरव्यू देख? नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा आप लोग वैसे ही मेरे करीबी लोग हैं मुझे बड़े प्यारे हैं तो आपसे मिलके तो मुझे वैसे ही बड़ी खुशी होती है. यही सुनना था. और ये मैं इसलिए कॉमन इंसान हूं मिलके मुझे खुशी नहीं होती. मैं कहती हूं मुझे आपसे मिलकर खुशी नहीं होती. तो हम पंजाबी थोड़े वोकल होते हैं ज्यादा आपको इस बात का जज्बा. बात ठीक है गाइस आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया होगा. तो बहुत बहुत ख्याल रखिए. और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी शायर को यहां पे ला रहे हो लाइव हॉट सीट पे तो जरूर आइए. अल्लाह. Thank you.